पास, तो आप पहले भी आए थे, उसके बाद वापिस चले गए, कहीं ना कुछ हो जाएगा समस्या समाधान, लेकिन कुछ ना कुछ दिखा नहीं उस समय। तो अब आपको क्या लग रहा है, 29 तारीख का इन्होंने बोल रखा है भाई हाँ आप आइए हमारे साथ बातचीत कीजिए, लेकिन बातचीत भी किसानों ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पक्ष रखा है। अगर उस परफ्यूम में आप हमारी बात रखेंगे एमएसपी कानून को लेकर और तीनों कानून को रद्द को लेकर, तो बातचीत हम करेंगे। तो क्या लगता है 29 तारीख को बातचीत सिरे चढ़ पाएगी या नहीं पाएगी? देखिए, पहले तो सबसे पहले तीनों बिल जो लोकसभा के अंदर लेके आए, इनको अभी लाने की आवश्यकता नहीं थी। महत्वपूर्ण सवाल ये था, कांग्रेस ने भी 50-55 साल किसानों का शोषण किया देश का, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के कांग्रेस के लोग आज धरना दे रहे हैं, उन्हें याद नहीं आई जब ये खुद सत्ता के अंदर थे, किसान के साथ आत्महत्याएं कर रहा था। प्रधानमंत्री जी से उम्मीद जगी देश को, जो व्यक्ति धारा 370 हटा सकता उसके अंदर एक मादा है कि वो किसानों के लिए कुछ ऐसा काम करेगा। लेकिन तीनों कानून मुझे लगता है कि अधिकारियों ने बढ़ा दिए और ठप्पा लग गया और लोकसभा के अंदर पारित हो गए। उस दिन मैं लोकसभा के अंदर नहीं था जब तीनों बिल लोकसभा के अंदर पारित हुए। अकाली दल ने लोकसभा में विरोध किया और मेरी कोरोना की ड्यूटी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया गया। इनको कहीं ना कहीं लगा जब हरियाणा के अंदर आपके लाठीचार्ज हुआ था किसानों को, कुछ दरमियान लगता सम्मान देने वाले बिलों का विरोध करेगा। और लोकसभा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने तीनों बिलों का विरोध किया और किसान आंदोलन का समर्थन किया। तो पंजाब से शुरुआत हुई, हरियाणा से शुरुआत हुई, उसके बाद पंचायत चुनाव आ गए राजस्थान के अंदर और 11 तारीख को पंचायत चुनाव जो फ्री हुए, 12 तारीख को 10-15 हज़ार लोग इस आंदोलन को समर्थन देने यहाँ बॉर्डर पर आए, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस हम लोगों को रोका। उसमें गृहमंत्री ने कहा था कि हम 7 दिन का समय आप हमें दें, उसको डेफर करो आंदोलन को और हम कोई रास्ता निकालते हैं। और हमने उनकी बात मान कर, क्योंकि एनडीए के अंदर था उस समय, और हम वापस चले गए और 7 दिन बाद हम सब इकट्ठा हो गए। 26 तारीख का कूच का अल्टीमेटम दिया था, बाड़मेर से लेके उदयपुर गंगानगर से लेके 1200 किलोमीटर दूर से जवान किसान देश में चल रहे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पे मैसेज दिया देश का, कि जिस तरह सोमवीर जी जो हमारे एमएलए साहब हैं, सांगवान साहब हैं, चेयरमैन हैं, इन्होंने चेयरमैन की कुर्सी को ठोकर मार के आज किसानों के साथ निकले, ये बहुत बड़ी बात है। बधाई देता हूँ उनको। इस तरह अपना अगर 40% नेता भी देश में ये सोच रहे कि हम किसान पहले हैं, पार्टी हमारे लिए बाद में, तो अपने आप ही किसानों के खिलाफ कोई कानून बन ही नहीं सकता देश के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनशक्ति 70% किसान है। उसमें तो उम्मेद तरफ तक आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि गलत हो गया, बाहर आ गया गैलरी में, वो बात को कौन मानता है। तो हमारा मकसद एक ही है कि तीनों कानून खत्म हो, अभी इनको अवेंस के अंदर डालते हैं। प्रधानमंत्री जी को चिट छोड़नी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को देखो, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब और दिल्ली, इन्होंने एक तरफा सीट दी थी 125 से ज़्यादा सीटें अकेले 5 राज्यों से, अगर इनको नाराज कर लिया तो 24 के अंदर भाषण दे जाएंगे वापस, प्रधानमंत्री बनने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो उनको बड़ा मन रखें, लोगों से बात करनी चाहिए और इस आंदोलन के बारे में कई मंत्री चाहे जैसे बयान दे रहे हैं, कोई कह रहा है माओवादी घुस गए, कोई आतंकवादी घुस गए, कोई फला, ऐसी बातें भी इनके मंत्रियों को नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती। ये जो हम सब बैठे हैं लाखों की तरह, ये किसान किसान के बैठे हैं और 36 बिरादरी का किसान चाहे किसी भी जाति का, वो सब हम इस आंदोलन के साथ हैं। हम अहिंसात्मक तरीके से शांति पूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, सरकार हमारी अग्नि परीक्षा नहीं ले, कहीं ऐसा नहीं हो कि सरकार अग्नि परीक्षा लेने के साथ साथ समय बीत जाए और ये आंदोलन की आग पूरे देश के अंदर लगे। एक ही मांग है, तीनों कृषि कानून किसान संगठनों ने जो मांग पत्र दिया है जिसमें आपका हरियाणा पंजाब से लेकर राजस्थान यूपी के किसान संगठन है, हम इन सब संगठन जो लेके सरकार के साथ चिट्ठी का पत्र व्यवहार हो रहा है, ये सब बैठे और सरकार बड़े मन से खुले मन से वार्ता करें, एमएसपी की गारंटी दें। वैसे एमएसपी है जरूर, लेकिन एमएसपी में खरीद कहीं नहीं हो रही देश में, 25 क्विंटल का राइडर लगा दिया, 5% माल खराब है, 3% खराब है, वो तो प्रकृति खराब कर दिया, हम थोड़ी करता है एक मिनट वो राइडर भी हटाए 25 क्विंटल का, और जितनी पैदावार हो उसको एमएसपी तय करके और 10% हर साल बढ़े एमएसपी, इस हिसाब से अभी लागू करें। और भला तो जब होगा जब संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग के देश में लागू, तब जाके किसानों को भला होगा। मोदी जी अब चाहे कितना ही कहना है कि स्वामीनाथन आयोग आंशिक रिपोर्ट लागू करें, उससे कोई फायदा नहीं। ये सोशल मीडिया और अब वो जमाना रहा, 50 साल पहले आप दिल्ली में बैठ के बात करके गाँव में ताली बजवाते थे, हर आदमी को पता कि दिल्ली में हमारा मंत्री कहाँ है और एमपी लोकसभा में बोल रहा है या सो रहा है, क्या कर रहा है। अभी इस आंदोलन के अंदर अगर किसान के बेटे जो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, तो
वो जब चुनाव में वोट मांगने जाएंगे ना तब उनको पता लग जाएगा वोट कैसे मिलता है। आज बताओ मुझे तो कांग्रेस पार्टी को भी सद्बुद्धि थी राजस्थान में, टेंट लगाए हुए थे कांग्रेस वगैरह का जगाने के लिए निकला किसान, बहुत बड़ी बात। इतने दिन बाद इनको किसान तो याद आए कम से कम, अभी तक इनको किसान याद नहीं आया। हनुमान जी कांग्रेस से मैं आपके पास लौटता हूँ, पहले सुमीर जी आपसे जानूंगा जी, आप पिछले 33 दिन से हर बॉर्डर पे जाते हैं, मध्यस्थता करते हैं किसानों की, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, टिगरी बॉर्डर हो चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो चाहे पलवल दासा बॉर्डर, सब जगह जाते हैं, सब किसानों से अच्छी तालमेल है और आप मध्यस्थता करते हैं। लेकिन एक बार मैं जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आपने आपके विधायकों के लेके आपने एक मुहिम चलाई थी कि आपके विधायक आप उनके उस समय मध्यस्थता करे थे सभी विधायकों की जो आपके साथी थे, कहीं ना वो अब तक आ नहीं पाए और आपने कहीं ना वो मुहिम सिरे चढ़ पाई या नहीं पाई भी आगे, और उसमें क्या कोशिश जारी है या फिर किसानों के साथ वो आने वाले नहीं? हर एक आदमी अपनी सोच अपने को देते हुए काम करता है। हमने ये माना कि हमने राजनीति से पहले किसान के बेटे हैं, किसान हैं।